हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम लोग का यहाँ पर दो तीन दिन से बहुत बारिश हो रहा था, अभी आज थोड़ा कमती है, लेकिन कोहरा छाया हुआ है, धूप नहीं निकला है। तो आप लोगों तो देखिए देखिए कोहरा छाया हुआ है, अभी धूप तक नहीं निकला है, तो देखते हूँ अब धूप निकलता है या नहीं। देखिए हम लोग का घर का चारों तरफ का नज़ारा देखिए देखिए ऐसा है। अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकला है दोस्तों, तो अभी इसी बारिश होने के कारण बहुत ठंड गिरा हुआ है, इसीलिए मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया। इसीलिए दो तीन दिन से आपको ब्लॉग भी मैं नहीं दे सकी, इसीलिए आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ दोस्तों। देखिए आज थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है, तो मैं आज सोची कि ब्लॉग बना लूँ। देखिए हम लोग का फूल का पेड़ लगा हुआ है, पर एलोवेरा का पेड़ है ये। थोड़ा बहुत मैं फूल का गाछ लगाई हूँ, तो देखिए। और अभी मैं जाऊँगी नाश्ता बनाऊँगी। हम लोग का यहाँ पर ना बहुत ठंड गिरता है। मैं जहाँ पर रहती हूँ और राउरकेला में रहती हूँ, मैं उड़ीसा का राउरकेला में, यहाँ पर ठंड भी बहुत गिरता है, गर्मी भी बहुत गिरता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग को वहाँ पर भी कैसे ठंड गिरा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग का यहाँ पर तो बहुत ज़ोर से ठंड गिर चुका है, बारिश होने के कारण जल्दी ठंड गिर गया, तो दो तीन दिन से ज़्यादा ही गिरा है दोस्तों। तो फिर आप लोगों ने मेरा वीडियो में बने रहो दोस्तों। मैं अभी चाय पी रही हूँ टीवी देखते देखते, सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो करने के लिए। अभी थोड़ा टाइम मिला, सोचा आपसे बात भी कर लूँ और मैं अपने बारे में आपको सब बता दूँ। तो मैं सिलाई आज सुबह से सिलाई कर रही थी, क्योंकि अर्जेंट थोड़ा एक था सिलाई करने के लिए, शाम तक उसको देना था, इसीलिए मैं उनका ड्रेस बना रही थी। तो इसीलिए आपसे वीडियो बात भी नहीं कर सकी, वीडियो भी मैं बना नहीं सकी। तो अभी अभी थोड़ा फुर्सत मिला तो हम सोचे आपसे थोड़ा बात भी कर लूँ। पहले मेरा एक अपना दुकान था, मैं सुबह 9 बजे थे, 9 बजे से दो बजे तक मैं दुकान में बैठती थी, फिर घर आती थी, फिर आके फिर 4 बजे जाती थी, फिर 10 बजे आती थी। सुबह भी मेरा को जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना के सारा घर का काम ख़त्म करके फिर मेरा को 9 बजे तक दुकान पहुँच जाना था, फिर 4 बजे फिर जाके फिर रात 10 बजे आने के बाद फिर रात का खाना बनाना पड़ता था। थक जाती थी मैं तब बहुत। तो अभी मैं दुकान नहीं जा रही हूँ, घर पे ही बना रही हूँ सिलाई, घर पे ही सिलाई करती हूँ। लेडीज़ लोगों को सिलाई सिखाती भी हूँ, लेडीज़ लोगों आते भी हैं सिलाई सीखने के लिए। तो अभी अभी मैं घर पे ही सिलाई करती हूँ। तो घर से थोड़ा दुकान आधा घंटा, बाइक में जाने से आधा घंटा लगता है, इतना दूर है दुकान। तो अभी जाने आने में थोड़ा तकलीफ भी होता था, तो इसीलिए मैं दुकान छोड़ दी। और अगर दुकान भी जाती तो ससुर को टाइम में खाना दे भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनको डॉक्टर बोले थे कि टाइम में खाना देने के लिए। तो इसीलिए मैं दुकान बंद कर दी। देखती हूँ अगर हो तो फिर पीछे दुकान करूँगी दोस्तों। तो तब तक कि मैं घर में ही करती रहूँ, सोची घर में ही करते रहूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मैं सिलाई करती हूँ। मेरा सिलाई करते करते बहुत दिन हो गया, मेरा 20-25 साल हो गया मेरा सिलाई करते हुए। तो इसीलिए मैं सिलाई ही करती हूँ, टाइम मिलने से मैं खाली समय बैठती नहीं हूँ, खाली समय में सिलाई करती हूँ। तो अभी 8 बजने वाला है, मैं अभी जाऊँगी फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि 9 बजे तक ससुर को खाना देना है। तो इस शाम के समय दो घंटा थोड़ा मैं फुर्सत मिलता है तो मैं टीवी वगैरह देख लेती हूँ। इसीलिए सोचा कि आपसे मैं इसी समय बात कर लूँ फ्री से। तो दोस्तों मेरा वीडियो में बने रहिए दोस्तों।
अभी मैं जा रही हूँ ससुर जी को खाना दूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने को मत भूलिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।